हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज किचन और फ्रिज दोनों की सफाई मैं शुरू कर दी, क्योंकि होली बस कुछ ही दिनों में आने ही वाली है, तो क्यों ना अपना काम शुरू कर दे, तो ताकि आप लोग को भी लगे कि नहीं, अब समय बिताने से फ़ायदा नहीं है, बस किचन और फ्रिज और घर की साफ सफाई जो है उससे अब शुरू कर दे। तो बस इसीलिए सोची कि आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। कभी कभी होता है ना, आलस लगता है कि ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो अब ये वीडियो आप लोग देख करके अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाइए। तो यहाँ पे मैं फ्रिज का सामान जो भी था सो सब निकाल के स्लेब पे रखती थी ना, जिसके कारण और स्लेब पूरा भरा हुआ था। तो पहले यहाँ पे मैं ली थोड़ी सी सोल्यूशन बना ली सर्फ नींबू और विनेगर दे करके, तो उसी से मैं पोलोथीन के सहारे से इसको अच्छे से साफ़ कर ली। और साथ में ये कॉटन का पतला वाला मैं गमछा रखती हूँ इसको साफ़ करने के लिए, तो उसको पानी दे करके साफ़ कर ली। उसके बाद में सूखा करके कपड़े से पोंछ ली और उसको फ्रिज को मैं बंद कर दी और ऑन कर दी, जैसे कि फ्रिज चालू कर दी। और यहाँ पे आ गई हूँ, तो ये बर्तन वाला जो रैक है उसको तो मैं कल ही पूरे रैक को निकाल करके आंगन में ले जा करके और साफ़ कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे वो उतना गंदा तो नहीं है, पर फिर भी हल्का हल्का सा मैं यहाँ पे ये कपड़ा जो है ना सो हल्का सा भींगा करके उसको मैं पोंछ ले रही हूँ। और बर्तन इधर उधर बिखरा हुआ है तो बस उसको भी मैं सेट कर ले रही हूँ, साथ के साथ ऊपर में भी मैं साफ़ कर ली। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी बर्तन है उसको मैं सजा दे रही हूँ, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और मेरा काम भी निपटते जाए। तो ये रात का ही बर्तन है जिसको मैं यहाँ पे सुखा करके और उसको रैक में डाल दी। और यहाँ पे जो भी फ्रिज का सामान मैं दूध दूध निकाले थे ना, तो उसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि फ्रिज मेरा ऑलरेडी सूख चुका है, तो सोची कि चलो इसका सामान भी अब इसमें डाल दे। साथ में ये सब्जी है जो कि मैं धो करके सुखा करके, और कुछ सब्जी को ना पोलोथीन में ही, जैसे कि नया पोलोथीन रहता है ना, उसी में बांध करके रख दी थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि बहुत सारा दूध बचा हुआ था, 2-3 दिन का दूध बच गया था, तो उसको मैं निकाल करके और साथ के साथ ये सब किचन को साफ़ करूँगी, फ्रिज को साफ़ करूँगी, उसके साथ साथ ये सभी काम को मैं निपटाते जाऊँगी। जैसे हस्बैंड दूध लेकर के आए हैं तो उसको मैं चढ़ा दे रही हूँ छान करके, और जो बचा हुआ दूध है उसको मैं छेना बना लूँगी। तो साथ के साथ ये भी सब काम होते जाएगा। तो यहाँ पे मैं छेना बनाने के लिए दूध चढ़ा दी, इधर बॉयल होने के लिए दूध, और उसके बाद में ये सब जो सब्जी है वो सबको जो पोलोथीन में है वो सब मैं डब्बे में डाल करके और फ्रिज में रख दूँगी, ताकि वो सुरक्षित रहे और सेफ रहे। तो बस ये सब को मैं आप डिब्बे को रखते रही हूँ फ्रिज में। और साथ के साथ जो भी पोलोथीन में सामान है वो सबको एक बहुत बड़ा डाला ले ली, कि जो भी स्लेब पे सामान है वो सबको मैं वहाँ पे रखूँगी, फिर पोंछ करके उसको फ्रिज पे रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ आंगन में, वो सब काम करके, और ये जो फ्रिज का स्टेन है ना ये सबको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। धूप भी अच्छी वाली आ गई है तो यहाँ पे मैं रख दूँगी, तो 3 से 4 मिनट लगेगा इसको सूखने में, तो बस इसको मैं धो करके और रख दे रही हूँ धूप में। उसके बाद में फिर चलती हूँ किचन में, किचन में भी अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो बस इसको यहाँ पे रखती और आ गई हूँ फिर मैं किचन में। तो तब तक मेरा दूध बॉयल हो चुका है, तो इसको खाली कर ले रही हूँ बड़े वाले डब्बे को, ताकि छोटा सा डब्बा रहेगा फ्रिज में चला जाएगा जब ठंडा हो जाएगा दूध तो। और साथ के साथ पनीर के लिए भी मैं पनीर को छान करके दबा करके रख दूँगी, ताकि पनीर जम जाए। तो ये सब काम को निपटा करके और अब मैं यहाँ पे देखिए कि छान करके इसको पनीर के लिए रख दे रही हूँ। और अब ये जो भी डब्बे डुब्बे हैं ना वो सब मैं निकाल करके धो लूँगी, तो जिसमें सामान है उसको तो मैं खाली नहीं करूँगी, पर जो खाली हो गया है उसको बाहर भीतर दोनों तरफ से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ आंगन में डब्बे को ले करके, तो जो सामान है उसको उसी में छोड़ करके, जैसे कि डिब्बा का ढक्कन से देखिएगा कि आपके घर में टूटा हुआ ना हो। एक बार मेरा ना डिब्बा का ढक्कन टूटा हुआ था, उसको मैं धो दी, पूरा सामान बर्बाद हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर डिब्बा का ढक्कन अगर ठीक है ना, तो इस तरह से हम मंथली साफ़ करेंगे तो भी वही हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की कि 50 मिनट में हम कैसे अपने किचन को डीप क्लीन कर सकते हैं, तो ये क्लीनिंग वीडियो जाएगा ही आप लोगों के पास। तो बस यहाँ पे सब डब्बे को मैं इस तरह से धो ले रही हूँ, जो खाली हो गया है उसको खाली करके पूरा मैं धो लूँगी, और जो धोने का है ऊपर से उसको मैं ऊपर से धो लूँगी। तो वैसे हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, पर फिर भी एक बार डीप क्लीनिंग महीने में एक बार मैं कर ही लेती हूँ। तो उसको डाल दी सूखने के लिए। और यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ झाड़ू, फूल झाड़ू। तो ये जो झाड़ू है ना मेरा किचन का ही रहता है, जिससे मैं स्लेब या दीवार या फिर किचन का जो यहाँ पे ये गैस के नीचे का रहता है वो सब मैं झाड़ू लगाती हूँ। एक एक्स्ट्रा झाड़ू रखती हूँ किचन के लिए, कि नीचे के लिए, तो जैसे कि रेगुलर होता है वो रेगुलर वाला रहता है, पर आज इससे ही मैं
बाहर भीतर करके झाड़ू लगा लूँगी। तो चलिए पहले मैं इसको झाड़ लेती हूँ, बाहर भीतर चारों तरफ से झाड़ ले रही हूँ। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, देखिए कितना कचरा यहाँ पे नीचे लगा हुआ है और पनीर जो फाड़ी थी उसका पानी पेपर सब पड़ा हुआ है। तो जो सोल्यूशन बनाई थी ना फ्रिज साफ़ करने के लिए, उसी में मैं थोड़ा सा सर्फ डाल दी और उसी से मैं गैस चूल्हा और बाहर भीतर दोनों और स्लेब को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और जहाँ पे ब्रश का ज़रूरत है वहाँ पे ब्रश मार करके साफ़ कर लूँगी, और जहाँ से ये प्लोथिन से रगड़ के साफ़ करना है वहाँ पे मैं प्लोथिन से ही रगड़ करके साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ ऊपर स्लेब पर आकर ये चढ़ गई हूँ और चढ़ करके मैं यहाँ पर साफ़ कर ले रही हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो, अगर कुछ बोले भी तो मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा कि हाँ इसमें ये ऊपर चढ़ करके कर रही। मैं ऐसे अक्सर करती हूँ, तो जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और दिखावा चीज़ अच्छा भी नहीं है, तो बस इसीलिए मैं जैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वहाँ पर मैं साफ़ करके और यहाँ पर मैं अब पानी दे करके बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में कॉटन का कपड़ा जो है उससे मैं साफ़ कर लूँगी ताकि ये स्लेब जो है सो सूख जाए। और अभी मैं ब्रश और नहाना धोना मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो जितना जल्दी हो इस काम को निपटा करके, और 50 मिनट मेरा लगा था, 50 या 45 46 मिनट लगा था। तो बस इतना देर में ही ये किचन मेरा दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में कि कितना अच्छे से क्लीन हो गया था। तो जहाँ पे बर्तन वाला रैक है ना वहाँ पे वो पूरे पोर्शन को मैं साफ़ कर चुकी थी, तो इसलिए वहाँ का वो अभी साफ़ नहीं की, पहले ही साफ़ किया हुआ है। तो बस यहाँ पे कुछ बर्तन है जो कि जूठा बर्तन नहीं है, यहाँ पे कुछ बर्तन में दागी पड़ गया था वो सब है, या फिर चौकी बेलना तावा जो रहता है वो सब है। तो उस सबको मैं धो ले रही हूँ धो करके, और यहाँ पे एक कॉटन बिछा दी उसी पे पलट के रख दूँगी ताकि वो सूख जाए। उसके बाद में फिर उसको ऊपर रैक पर सजा दूँगी। तो स्लेब का काम और बर्तन का काम मेरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैं डाली थी थोड़ी सी विनेगर फर्श को साफ़ करने के लिए, थोड़ी सी मैं डाली थी विनेगर, थोड़ी सी सर्फ और थोड़ा सा मीठा खाने वाला सोडा। बस उसी को डाल करके पूरे फर्श पे मैं अच्छे से रगड़ ली, जहाँ पे ब्रश से रगड़ने का था वहाँ ब्रश से, जहाँ पे झाड़ू से मारने वाला था वहाँ पे मैं झाड़ू से साफ़ कर ली। और इस तरह से अगर आप किचन को क्लीन कर रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद में क्या होगा ना कि आप महीनों तक निश्चिंत रहिए कि ये क्लीन रहेगा, महीनों तक ये रहता है। हल्का फुल्का देखिए हर घर में रहता है ना कि काम कुछ कुछ होते रहता है, तो वो तो गंदा होता ही रहता है, पर ये डीप क्लीनिंग अगर एक बार महीने में कर ले तो आराम से अपना महीने भर रहेंगे। चलिए मिलती हूँ नहा कर पूजा करने के बाद। तो आ गई हूँ मैं अभी नहा करके पूजा करके, और तब तक मेरा किचन भी सूख गया है, और ये डब्बा सब जो धो करके आंगन में रखी थी धूप अच्छी वाली हुई है, तो ये डब्बा सब भी अच्छे से सूख गया है। तो अब मैं रैक में सजा ले रही हूँ और उसके बाद में वीडियो को एंड भी कर दूंगी। तो चलिए पहले रैक में सजा लेते हैं इसको।
इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और फाइनल लुक मैं अभी दिखा दे रही हूँ किचन का।